नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों आज हम आपको सीने में दर्द, सीने में जकड़न की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सीने में दर्द या जकड़न का होना एक आम समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मरजारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही बज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते वैसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ कीजिए। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच लगाइए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से कम 10 से 15 बार आप श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को थोड़ा पीछे कर लेते हैं और दोनों पैरों के बीच में स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ कर लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, 10 सेकंड रुकें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हुए सिर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। और फिर इसके बाद अपने पंजों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर अब आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने शरीर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लें। एक्सहेल करते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ आप 15 से 20 बार कीजिए। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और सबसे पहले हम करेंगे सरल मत्स्यासना और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। आपके दोनों पैर पीठ को सीधे पंजे आगे की तरफ तले हुए हों। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी श्वसन प्रक्रिया बेहतर होती है और जिन लोगों को अक्सर सीने में दर्द या जकड़न की शिकायत होती है इस अभ्यास को करने से दूर होती है। फिर सीधे ऐसे ही कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौकासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने ऊपरी शरीर को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को ऐसे उठा लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकने के बाद
एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही लेटकर इस अभ्यास को आपने करना है। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों बाजू को ऐसे अपने कान के पास हटा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ ले और ऐसे अपने पूरे शरीर को भी ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। फिर नीचे ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर से दर्द और तनाव दूर होता है। हाथों को ऐसे अपने थाईज के पास ऐसे रख लें और अपने दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। हम करेंगे सेतु बंधासना और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाइए। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही से आप 8 से 10 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द की शिकायत दूर होती है।